हेलो फ्रेंड, मैं हूं उमेश, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। और आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर में सब्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, यानी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से कैसे घटाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैं एक डाटा तैयार करता हूं, जिसमें नेम, फर्स्ट सेल्स, सेकंड सेल्स और रिजल्ट, ये मैंने हेडिंग बनाई है। अब समथिंग यहाँ पे मैं कुछ नाम टाइप करूंगा, अब सेल्स में मैं कुछ सेल्स टाइप करता हूँ, मैं रवि के मैं 10,000 रुपये, सपोज दैट इसमें 12,000 सेल्स टू में भी हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, अभी हमारा डाटा बन चुका है। अब सिंपली हम इसमें सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यानी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से कैसे घटाएंगे। तो सिंपली हमको एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल फर्स्ट वैल्यू का सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिंबल, सेकंड वैल्यू का सिलेक्शन, एंटर। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, एक बार दोबारा ट्राई करेंगे, इक्वल फर्स्ट वैल्यू का सिलेक्शन माइनस सेकंड वैल्यू का सिलेक्शन, एंटर। अब सिंपली दोनों को सेलेक्ट करेंगे और नीचे की ओर ट्रैक कर देंगे। तो ये सभी हमारी सब्ट्रैक्ट वैल्यू आ चुकी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।